साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु के बेटे ने भारत सरकार से पासपोर्ट देने की मांग की है। अफजल गुरु के बेटे का कहना है कि उसे विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन पासपोर्ट नहीं होने की वजह से उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। अफजल गुरु के बेटे ने कहा कि उसके पास आधार कार्ड है तो पासपोर्ट भी मिलना चाहिए। संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु को साल 2013 में फांसी की सजा दी गई थी। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अफजल गुरु के बेटे गालिब गुरु ने कहा कि वो सोचते हैं कि उन्हें उनका पासपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि तुर्की में उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है मेडिकल के लिए। अगर उनके पास आधार कार्ड है तो पासपोर्ट क्यों नहीं मिलना चाहिए, उन्हें लगता है कि उन्हें पासपोर्ट मिलना चाहिए। आपको बता दें कि जनवरी 2018 की खबर के मुताबिक भारतीय संसद पर हमले की साजिश रचने वाले मोहम्मद अफजल गुरु के बेटे गालिब गुरु ने 12वीं की परीक्षा में 88% अंक हासिल किए थे। कश्मीर बोर्ड के नतीजों के मुताबिक गालिब के कुल 500 अंकों में से 441 अंक हासिल किए थे। उसे सभी 5 विषयों में A ग्रेड मिला था।